नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं अनके सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आ रही होगी। आज हम SSC के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि SSC में अब GS की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जैसे आप मैथ के लिए परेशान रहते थे, इंग्लिश के लिए परेशान रहते थे, निश्चित रूप से बदले हुए पैटर्न के अनुसार आपने GS का क्या महत्वपूर्ण भूमिका आपके एग्जाम में होगी, ये बखूबी आप जान रहे होंगे। तो आज मैं एनके सिंह आप सभी लोगों के सामने GS के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अर्थात विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उस पर मैं बात करने वाला हूं। आप सभी ये जानते हैं कि यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रतिवर्ष आप पिछले पेपर का अच्छे तरीके से मूल्यांकन करिएगा, तो मूल्यांकन करने के बाद आपको यह बखूबी पता चलेगा कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा पार्ट होता है जहां से एक प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस जटिल टॉपिक को बेहद आसान बनाकर, मैं बार बार अपने लेक्चर में कहता हूं कि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि बिल्कुल जिनको विज्ञान विषय में शून्य समझ हो, जो विज्ञान विषय के विषय में कुछ भी न जानते हो, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छी समझ विकसित कर सके। डाइजेस्टिव सिस्टम को ही मैंने क्यों चुना है, इसके लिए अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो तो इसका उत्तर मैं दो तरीकों से देना चाहता हूं। पहला, ये टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, ये इतना जटिल है, इतना आपस में गुथा हुआ है कि अगर मैं इसको सहज तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, ये टॉपिक इस वजह से भी पढ़ना चाहिए था क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो कैसे आपके शरीर के भीतर अर्थात एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में, कैसे वो आगे बढ़ता है और कैसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उस पर कार्य करके पाचन की प्रक्रिया में उसको लाते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजों पर हम बात करना शुरू करेंगे। केवल मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने दीजिएगा, बस आपका काम इतना होगा कि बस मेरी आवाज को आप अपने कानों तक जाने दीजिएगा, बाकी सारी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, सब कुछ आपका इसी क्लासरूम में तैयार हो जाएगा। तो बिना किसी देर किए हुए आते हैं सीधे टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम आप सभी ये जानते ही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम बात करते हैं। और सबसे पहली बात यही से स्टार्ट हम करते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्या है। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के उत्तर दे सकते हैं पाचन के संदर्भ में। अगर NCERT की बात को हम माने तो पाचन के संदर्भ में उसने बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है। क्या लिखा है पहले उसकी बातों को समझ लेते हैं। उसने कहा है कि भोजन का जो जटिल अणु होता है उसको सरल अणुओं में बदलने की जो क्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की जो क्रिया होती है, इसी को पाचन कहा जाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया का नाम दिया गया है विज्ञान में पाचन। अब ये कुछ किताबी भाषा है, अब इसमें बिटवीन द लाइंस जाकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये जटिल अणु कौन है, ये सरल अणु कौन है। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं और कमेंट्स के माध्यम से जरूर ये बताने का प्रयास करिएगा कि जब आप अपने भोजन में रोटी को खाते हैं, रोटी को, तो रोटी प्राप्त होता है, आटा लाते हैं, आटे को गूंथते हैं, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, वो आटा प्राप्त होता है गेहूं से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप डायरेक्ट जाकर गेहूं खाइए
तो क्या उससे कोई समस्या उत्पन्न होगी, क्या उससे कोई दिक्कत उत्पन्न होगी? आप कहेंगे सर क्या फालतू की बातें हैं ये, कोई व्यक्ति गेहूं कैसे डायरेक्ट खा सकता है? क्यों नहीं खा सकते हैं भाई? क्योंकि गेहूं आपके लिए जटिल है, वो कॉम्प्लेक्स है। पहले गेहूं को आपने अच्छे से साफ किया, उसके बाद उसको पीसना शुरू किया, उसके बाद उसको आटे का रूप दिया, उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरा तो आपने पानी डाल डाल के उसको और सरल किया, उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरा तो आपने उसको पकाया, अब वो सरल हो गया, अब वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आराम से उस रोटी के टुकड़े को तोड़कर खाएं तो आपने कहा अब ये आसानी से डाइजेस्ट हो गया। यानी कि आपने पहले क्या किया, उस जटिल को क्या किया, सरल में बदला। ठीक उसी प्रकार से मानव शरीर किसका बना हुआ है? मानव शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये जटिल भोज्य पदार्थों को नहीं समझती हैं, उसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जब तक कि ये सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट न हो जाए। जैसे जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं और यहीं से बहुत ढेर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में आप रोटी चावल दाल आमतौर पे आप खाते हैं, और इनसे आपको मिलता क्या है, इनसे आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, या इससे आपको क्या मिलता है, वसा मिलता है, फैट मिलता है, या इससे आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ये तीन सबसे प्रमुख पोषक पदार्थ होंगे, याद रख लीजिएगा। जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उन सभी भोज्य पदार्थों में ये तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या, प्रोटीन। तो जैसे हमारे लिए गेहूं जटिल है, वैसे हमारी कोशिकाओं के लिए, हमारी सेल के लिए जो कि हमारे शरीर में कार्य करती है, उस सेल के लिए, उस कोशिकाओं के लिए ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जटिल अणु होते हैं। सबसे पहले इनको सरल अणुओं में बदलने की आवश्यकता है, और जब ये सरल अणु में तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तब आप कहेंगे कि पाचन की प्रक्रिया संपादित हो चुकी है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर जटिल है तो इसका सरल रूप क्या है? कार्बोहाइड्रेट अगर जटिल है तो इसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, विघटित करते जाइए, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या होता है? ग्लूकोज है, याद रख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? ग्लूकोज है। वसा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उस इकाई का नाम क्या है? उस इकाई का नाम है फैटी एसिड, यानी कि वसीय अम्ल। और अगर प्रोटीन की कोई सबसे छोटी इकाई पूछे तो याद रख लीजिएगा इसकी सबसे छोटी इकाई का नाम होता है अमीनो एसिड। सबसे छोटी इकाई का नाम क्या होता है? अमीनो एसिड। तो एक बात यहां पर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जानी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं के लिए जटिल है और ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए सरल है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये जटिल हैं। किसके संदर्भ में ये बात कही गई है? कोशिकाओं के संदर्भ में। और ये ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड सरल हैं, ये किसके संदर्भ में बात की गई है? कोशिकाओं के संदर्भ में। तो ये जो एनसीईआरटी ने परिभाषा दिया है कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहा जाता है, ये किसके संदर्भ में बात कही गई है? ये कोशिकाओं के संदर्भ में बात कही गई है। जिस भी भोज्य पदार्थ को ये कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर पाती हैं वे जटिल होते हैं, और ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं, कार्य के रूप में ला सकती हैं, ऐसे भोज्य पदार्थों को हम सरल भोज्य पदार्थ का नाम देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है।
अब एक बात को और ध्यान से समझना, एक बात को और ध्यान से समझना, अगर कोई भी जटिल भोज्य पदार्थ है या कोई भी चीज जटिल है, जैसे एक बड़ा सा चट्टान, और अगर उस चट्टान को तोड़ तोड़ के सरल रूप में कन्वर्ट करना है, यानी कि बड़ा सा चट्टान है और उसको धूल के गढ़ में तब्दील करना है, तो आपको किसी न किसी हथियार की आवश्यकता पड़ेगी, छीनी हथौड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर जटिल भोज्य पदार्थ को सरल में बदलना है, तो यहां पर भी कोई न कोई उपकरण, कोई न कोई कारक, कोई न कोई फैक्टर कार्य अवश्य करेगा। यहां पर कौन कार्य करेगा, तो याद रख लीजिएगा, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने में जो कारक कार्य करेगा, उस कारक का नाम क्या है, उस कारक का नाम होता है एंजाइम। उस कारक का नाम क्या है, एंजाइम। एंजाइम और क्या चाहिए, और चाहिए वाटर, यानी कि जल। याद रख लेना, एंजाइम और जल ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने का कार्य करते हैं। अगर एंजाइम और जल रहेगा तो यह जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में बदलेगा और पाचन की क्रिया होगी। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो पाचन की क्रिया, याद रख लीजिएगा, नहीं होगी। अगर छीनी हथौड़ी रहेगी तभी एक चट्टान धूल के कण में बदलेगा। अगर छीनी हथौड़ी नहीं रहेगी तो बड़ा सा चट्टान जो है धूल के कण में नहीं बदल सकता। यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना सिखा रहा हूं, याद रख लीजिएगा। पिछले 10 मिनटों से एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रख लीजिएगा, विज्ञान में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया तो एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजार भी प्रश्न बनेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। इसी वजह से मैं आपका कॉन्सेप्ट, आपकी समझ विकसित करना चाहता हूं इस विषय वस्तु को लेकर। तो याद रख लीजिएगा, अगर सवाल ये पूछा गया कि फिर पाचन क्या है, अब अपनी परिभाषा को आप व्यवस्थित करिए, क्या कहेंगे, एंजाइम तथा जल की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। ठीक है, इसी डिफिनीशन को मैं नीचे लिख दे रहा हूं व्यवस्थित क्रम से, है ना। आप अगर डिफिनीशन इसका लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे, एंजाइम तथा जल की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, आपने ये समझ लिया। अगर कोई आपसे पूछे कि जटिल भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको हमारी कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती, या जिनको हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो जटिल है क्योंकि उनको कोशिकाएं एब्जॉर्ब नहीं करती। और सरल कौन है, जिनको हमारी कोशिकाएं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति खेलते खेलते थक जाता है, तो थकने के पश्चात अगर उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो अब दो साधन है, या तो उसको बढ़िया एक थाली भोजन करवाया जाए तब जाकर उसको ऊर्जा मिलेगी, या फिर उसको दिया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब दिया जाता है तो ग्लूकोज देने का असर यह होता है कि उसके शरीर में तुरंत एनर्जी मिल जाती है। क्यों?
क्योंकि भाई वो पचा पचा है, वो सरल है। किसी भी व्यक्ति को अगर ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ना दिया जाए, कोई मतलब नहीं। आपको लगता है ऐसा कि यह भोजन करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ऐसा नहीं है। भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं होता है, भोजन को डाइजेस्ट करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमको किसी भी माध्यम से ये चीज मिल जाए तो हमें ये ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक थाली भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। मत खाइए भोजन, बिल्कुल मत खाइए। आपको लगता है ना कि एक व्यक्ति जो कोमा में होता है 20-20 साल तक जिंदा रहता है कि नहीं रहता है, आपको लगता है क्या वो थाली भोजन ग्रहण करता है? नहीं, वो रोटी नहीं खाता है, वो चावल नहीं खाता है, ये सारी चीजें वो ग्रहण नहीं करता, बावजूद उसके वो 20-20 साल तक कोमा में जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि ड्रिप लगाकर डाल देते हैं उसमें क्या, ग्लूकोज, फैटी एसिड और क्या, अमीनो एसिड। ये पूर्ति होनी चाहिए। हम लोगों का दिमाग रहता है कि कितना रोटी खा ले, कितना चावल खा ले, निमंत्रण मिल जाता है तो हम लोग जीने मरने की परवाह नहीं करते हैं, बस ग्रहण करते जाते हैं। याद रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। आपने गांव में सुना ये होगा कि खाता तो बहुत है लेकिन पता नहीं क्यों शरीर को लगता नहीं है। शरीर को लगता इस वजह से नहीं है क्योंकि वो ये ग्रहण कर रहा है और ये प्राप्त नहीं हो रहा है, बीच में ये प्रोसेस जो है अर्थात पाचन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं दिक्कत में, प्रॉब्लम में। यहां से आप एक चीज और क्या सीख रहे हैं, पढ़ने का एक पैटर्न सीख रहे हैं, पढ़ने का एक सलीका, एक तरीका सीख रहे हैं कि यहां पे ये ग्रहण करना महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ना महत्वपूर्ण थोड़ी ना है, उसको डाइजेस्ट करना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, जो कुछ भी आपने पढ़ाया, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको, अगर आपने उसको डाइजेस्ट नहीं किया तो फिर उसके कोई भी मायने नहीं है, फिर उसके कोई मतलब नहीं है, याद रख लीजिएगा। इसी वजह से डाइजेशन होना चाहिए, चाहे भोजन का, चाहे इंफॉर्मेशन का, चाहे नॉलेज का। तो यहां से आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सीखा, ध्यान समझना। एक बात यहां पे आपने ये सीखा, क्या सीखा, कि ये जो एंजाइम है और जल है, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। अगर ये दोनों रहेंगे तभी पाचन होगा, इस चीज को दिमाग में अभी भर लीजिए। नो एंजाइम, नो डाइजेशन। एंजाइम रहेगा तो पाचन होगा, एंजाइम नहीं रहेगा तो पाचन नहीं होगा। क्वेश्चन एक पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आहार नाल, आहार नाल का वह कौन सा हिस्सा है, वह कौन सा हिस्सा है, वह कौन सा हिस्सा है जहां पाचन की प्रक्रिया, जहां पाचन की प्रक्रिया, जहां पाचन की प्रक्रिया, जहां पाचन की प्रक्रिया संपादित नहीं होती है, जहां पाचन की प्रक्रिया संपादित नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। पाचन तंत्र का हिस्सा तो है, आहार नाल का हिस्सा तो है, लेकिन वहां डाइजेशन नहीं होता है। जैसे कौन कौन से ऑप्शंस में दिया गया था, ऑप्शन में दिखा देता हूं आपको। ऑप्शन ए में दिया गया था, ऑप्शन ए में दिया गया था, क्या दिया गया था, ग्रसनी। ऑप्शन ए में दिया गया था ग्रसनी, फेरिंग्स दिया गया था। ऑप्शन बी में दिया गया था ग्रास नली, यानी कि आइसोफेगस, ग्रास नली को आइसोफेगस कहते हैं, आइसोफेगस कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया था बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और ऑप्शन में दिया, डी में दिया जाता था इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपके आहार नाल के सभी हिस्से हैं, पूरे डाइजेशन सिस्टम का पूरा हिस्सा होता है। आप सभी लोगों को यह जानकारी अवश्य होगी कि पहले बक्कल कैविटी, मुख गुहा आता है, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद एक लंबी नली आती है ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद अमाशय आता है, और अमाशय के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये छोटी आंत वाला हिस्सा है, छोटी आंत वाला हिस्सा है, और इसके बाद ये स्टार्ट होता है बड़ी आंत।
ये बड़ी याद होती है, ठीक है, बड़ी याद होती है। तो याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा कि ये पूरे के पूरे हिस्सों में ये ग्रसनी और ग्रास नली और बड़ी याद पाई जाती है। अब यहां से पूछा गया है कि ये आहार नाल का हिस्सा तो है, लेकिन इसमें कहां पे प्रक्रिया नहीं होती है पाचन की। तो याद रख लीजिएगा मेरे भाई कि ये जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी में भी, इस ग्रास नली में भी और इस बड़ी आत में, तीनों में पाचन नहीं होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा तो है, आहार नाल का हिस्सा तो है, लेकिन यहां पर पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर क्या नहीं पाया जाता, यहां पर क्या नहीं मिलता है, यहां पर एंजाइम नहीं मिलता है। और मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि नो एंजाइम, याद रख लेना, नो एंजाइम नो डाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद रख लेना, नो एंजाइम नो डाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद रख लेना। एंजाइम रहेगा तो पाचन होगा, एंजाइम नहीं रहेगा तो पाचन नहीं होगा। क्योंकि ग्रसनी और ग्रास नली और बड़ी आत में एंजाइम नहीं है, इस वजह से यहां पे पाचन नहीं होगा। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, यहीं से ये बात स्पष्ट होकर बाहर आई है कि एंजाइम और जल रहेगा तो पाचन होगा, एंजाइम और जल नहीं रहेगा तो पाचन की प्रक्रिया संपादित नहीं होगी, डाइजेशन की प्रक्रिया संपादित नहीं होगी, दैट्स इट। अब यहां पे एक बात और, अगर कोई आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे मिलकर बना होगा, तो याद रख लीजिएगा ग्लूकोज। ये सवाल आपके एसएससी में पूछा गया है। यही ग्लूकोज के अणु आपस में मिलते जाते मिलते जाते मिलते जाते मिलते जाते हैं और क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। यही फैटी एसिड के अणु आपस में मिलते जाते मिलते जाते मिलते जाते मिलते जाते क्या बन जाता है, वसा बन जाता है। यही अमीनो एसिड के अणु आपस में मिलते जाते हैं और क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। आगे न्यूट्रिशन में मैं पढ़ाऊंगा कि ये ग्लूकोज के अणु आपस में मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध से, और ये फैटी एसिड के अणु जो आपस में मिलते हैं एस्टर बंध से, तब जाकर वसा का निर्माण होता है। और ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध से जुड़ता है, तब जाकर ये प्रोटीन का निर्माण होता है। वो आगे चलकर मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, निश्चिंत बने रहिए मेरे साथ। बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप किसी क्लासरूम में तैयार होंगी, बेफिक्र रहें, मुस्कुराइए। आप टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हैं, मुस्कुराइए, आप एनके सिंह के साथ में हैं, बिल्कुल निश्चिंत बने रहिएगा। विज्ञान की जो समस्या है, परेशानी है, अब वो मेरी समस्या है, वो कैसे आपको याद कराना है वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूं कि भूल कर दिखाइए विज्ञान, भूल कर दिखाइए विज्ञान। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, ये चीज समझ में आ गया। एक बात और थोड़ा समझना यहां पे, छोटी सी बात, कि ये तंत्र क्या होता है, ये सिस्टम क्या है, तंत्र क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि सिस्टम बड़े, ये शब्द जो है आप विज्ञान में बार बार आपके सामने आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इस सिस्टम हर जगह पे आपके सामने आएगा। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब कई ढेर सारी संरचनाएं मिलकर किसी एक कार्य को संपादित करती हैं तो वो एक सिस्टम बनता है। जैसे पेट का एग्जाम है और आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, बस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, तो आपने कहा कि सिस्टम खराब है। तो जब आप सिस्टम खराब कहते हैं तो उसमें पूरी की पूरी व्यवस्था आ जाती है, उसके लिए पीएम सीएम डीएम और स्थानीय पुलिस भी जिम्मेदार होती है। पूरा का पूरा आपने एक बार में बोल दिया कि सिस्टम है खराब है पूरा, है ना। तो ये जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ढेर सारी संरचनाएं भाग ले रही हैं। इसमें बक्कल कैविटी भाग ले रहा है, इसमें सलेवरी ग्लैंड्स भाग ले रहे हैं, आइसोफेगस भाग ले रहा है, स्टमक भाग ले रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन भाग ले रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन भाग ले रहा है, बहुत ढेर सारी संरचनाएं एक साथ एक कार्य कर रही हैं। और वो कार्य क्या है, पाचन का कार्य, वो कार्य क्या है, डाइजेशन का कार्य। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सिस्टम कहीं भी लगा तो बहुत ढेर सारी संरचनाएं मिलकर किसी एक कार्य को क्या करेंगी, संपादित करेंगी। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब कौन कौन सी संरचना है, पाचन तंत्र का कौन कौन सा हिस्सा है, ध्यान से समझना।
अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पहला पेज है जो आपको नोट डाउन करना है, जिसमें मैंने समझाया कि पाचन क्या है। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से हिस्से सम्मिलित होते हैं, अब मैं ये समझाने चल रहा हूं, ठीक है। पाचन तंत्र में कौन कौन से हिस्से सम्मिलित होते हैं इसको हम समझाते हैं। देखिए, ये जो पाचन तंत्र होता है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र के याद रख लीजिएगा दो हिस्से होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से। दो हिस्सों में बांटकर हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा जो होता है इसे कहते हैं आहार नाल, ध्यान से समझते चलना। पहला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है आहार नाल, इंग्लिश मीडियम वाले भैया इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। बिल्कुल निश्चिंत बने रहिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता रहूंगा, मैं एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है पाचक ग्रंथि। दूसरा जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, है ना, पाचक ग्रंथि। तो पाचन तंत्र के दो हिस्से आहार नाल और पाचक ग्रंथि, ये दो हिस्से होते हैं। आहार नाल नाम से ही स्पष्ट है, देखो चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो, आसान हो जाएगा आपके लिए। कोई चीज अगर शब्द आपको परेशान कर रहा है तो उस शब्द के दो तीन टुकड़े करिए, और दो तीन टुकड़े जब आप करेंगे तो शायद वो बात आपको जो ना समझ में आ रही है वो समझ में आने लगेगी। ऐसी नाल, ऐसी नलिका जिसमें क्या पाया जाता हो? आहार पाया जाता। आहार मतलब क्या होता है? भोजन। जिसमें भोजन पाया जाता है वो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। अब आहार नाल में भोजन देखो कहां कहां से जाता है। ऐसी नलिका जिसमें आहार पाया जाता है। आहार क्या है? जिसको भी आपने ग्रहण किया वो सब इसके लिए जो है आहार है। तो आहार आपने माहुत से ग्रहण किया, और ये ग्रसनी, ये ग्रास नली, ये अमाशय, ये छोटी आत से होते हुए ये चली गई कहां पे? ये बड़ी आत में चली गई, ठीक है, ये बड़ी आत में चली गई। इसका मतलब ये है कि भोजन यहां से लेके यहां तक पूरा ट्रेवल कर रहा है, तो ये सारे के सारे हिस्से क्या होंगे? आहार नाल। क्वेश्चन नंबर एक पूछा गया आपसे कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? आहार नाल। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा हिस्सा है, विज्ञान में लगभग इसकी लंबाई 32 फीट दी गई है, आप समझ सकते हैं। तो आहार नाल पूरा बक्कल कैविटी से लेके यहां तक समाया हुआ है। अब इस आहार नाल के कई ढेर सारे हिस्से हैं, उन हिस्सों को देख लेते हैं कौन कौन से हिस्से हैं। इस आहार नाल में पहला हिस्सा है मुख गुहा। पहला हिस्सा है मुख गुहा। मुख गुहा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी कह सकते हैं। बक्कल कैविटी, बिल्कुल घबराइएगा मत, अभी मैं समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, बक्कल कैविटी। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है इसमें? ग्रसनी। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? ग्रसनी। मुख गुहा के बाद आता है ग्रसनी, जिसको हम बोलते हैं फैरिंग्स। ग्रसनी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह वह हिस्सा है जो भोजन नली और श्वास नली दोनों के अंतर्गत आता है, ऐसा हिस्सा होता है ग्रसनी। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा, आज मैं केवल और केवल पाचन तंत्र तारुफ करा रहा हूं आपको, बिल्कुल निश्चिंत बने रहिएगा। इसके बाद ग्रसनी के बाद भोजन प्रवेश करेगा कहां पे? ग्रास नली। भोजन प्रवेश करेगा कहां पे? ग्रास नली में प्रवेश करेगा। पहले भोजन कहां पे प्रवेश किया? मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद ग्रसनी, और उसके बाद क्या होगा? आइसोफेगस।
ठीक है, क्या आएगा? आइसोफेगस, आइसोफेगस में प्रवेश किया, आइसोफेगस, आइसोफेगस ग्रास नली के बाद भोजन प्रवेश करेगा, ग्रास नली के बाद भोजन प्रवेश करेगा, कहां पे प्रवेश करेगा? अमाशय में प्रवेश करेगा, कहां पे प्रवेश करेगा? अमाशय में प्रवेश करेगा, अमाशय में प्रवेश करेगा, और अमाशय को क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है स्टमक, इसको नाम क्या दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है स्टमक, ये स्टमक, स्टमक के बाद भोजन कहां पे आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत में। इसके बाद भोजन कहां पे आया? इसके बाद भोजन आया छोटी आंत में, और छोटी आंत को हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्या लगता है आपको, क्यों इसे छोटी आंत कहा जाता है? छोटी आंत इसको क्यों कहा जाता है? क्या ये छोटा है? क्या ये छोटा है तब इसको छोटी आंत कहा जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप इस बुलावे में है कि छोटी नाम है, विज्ञान में बहुत ढेर सारे नाम ऐसे हैं जो आपको परेशान करेंगे, होगा निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, बोला जाता है दूर दृष्टि दोष, लेकिन दूर की चीजें क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर विज्ञान में इस चीज को लेकर भुलावे में बिल्कुल मत रहिएगा कि नहीं ये नाम से अस्पष्ट हो जाएगा या नाम के अनुसार ही काम करेगा। छोटी आंत को छोटी आंत इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास, इसकी मोटाई देखो, इसकी मोटाई बहुत कम होती, किससे कम होती? बड़ी आंत से। बड़ी आंत की देखो मोटाई ज्यादा है, इसका व्यास क्या है? ज्यादा, और छोटी आंत की मोटाई देखो कम है, है ना, दिख रहा होगा आपको शायद फिगर में, स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। तो छोटी को छोटी कहने के पीछे लंबाई नहीं है इसका आधार, इसकी चौड़ाई आधार है, इसका व्यास आधार है, और बड़ी आंत को बड़ी कहने के पीछे उसकी लंबाई आधार नहीं है, आधार क्या है? व्यास है, याद रखिएगा। मोटाई बड़ी इस वजह से बड़ी है क्योंकि उसकी मोटाई बड़ी है, और छोटी इस वजह से छोटी है क्योंकि उसकी व्यास छोटा है। लंबाई को अगर आधार बनाएंगे तो याद रख लीजिएगा पूरे आहार नाल का सबसे अधिक लंबाई किसकी है? छोटी आंत की, छोटी आंत की, छोटी आंत की, याद रखना। पूरे आहार नाल में सर्वाधिक जो लंबाई है वो छोटी आंत की। सवाल नंबर दो, मैं डिस्कस भी करता चलूंगा कि कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षा हेतु मोस्ट एप्रोप्रिएट बन सकते हैं, उन पर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से समझो, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा आहार नाल होता है, लेकिन अगर आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा पूछा जाएगा तो छोटी आंत 32 फीट में से अकेले 17 फीट छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अभी आगे चलकर मैं बांटूंगा छोटी आंत के भी तीन हिस्से होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो डियोडेनम, जेजुनम, इलियम ये छोटी आंत के, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ये हिस्से होते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। छोटी आंत के बाद याद रख लेना, याद रख लेना, इसके बाद आता है बड़ी आंत, इसके बाद कौन आता है? बड़ी आंत। लास्ट में कौन आता है? बड़ी आंत। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ी आंत को बड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका व्यास क्या है? बड़ा है, क्योंकि इसका व्यास क्या है? बड़ा है। तो बड़ी आंत को हम क्या बोलेंगे? बड़ी आंत को हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। अभी आगे चलकर हम ये भी सीखेंगे कि छोटी आंत के जैसे तीन हिस्से होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, वैसे ही बड़ी आंत के भी तीन हिस्से होते हैं जिनको हम सीकम, कोलन और रेक्टम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आहार नाल है, यहां पर भोजन ट्रेवल करेगा, यहां पर भोजन जाएगा, इसी वजह से ये ऐसी नलिका है जिसको हम आहार नलिका कहते हैं, या इसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। आशा करूंगा कि बिल्कुल शीशे की तरह साफ एवं स्पष्ट आपको मेरी बातें हो रही होंगी, है ना। अब यहां पे एक बात को और ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करना कि इसी में से मैंने तीन ऐसे हिस्से निकाले हैं जहां पर पाचन नहीं होगा। एक ग्रसनी में नहीं पाचन होगा, याद रख लीजिएगा, एक ग्रसनी में नहीं पाचन होगा, एक ग्रास नली में पाचन नहीं होगा, एक बड़ी आंत में पाचन नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? आसान सा उत्तर दीजिएगा, क्योंकि एंजाइम यहां पर सिक्रेट नहीं होते हैं, एंजाइम यहां पर स्रावित नहीं होते हैं। इस चीज को अच्छे ढंग से, विधिवत ढंग से जान लीजिएगा। अब पाचक ग्रंथियों की बात करते हैं। नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्लैंड शब्द को थोड़ा सा समझो, ग्लैंड शब्द को समझो। ग्लैंड मतलब क्या होता है? ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि। हिंदी अगर आप पढ़ते होंगे तो हिंदी में तद्भव तत्सम होता है। तो ये जो ग्रंथि शब्द है, ये ग्रंथि शब्द का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो गांठ होता है। गांठ, गांठ, गांठ का परिमार्जित रूप क्या है? ग्रंथि है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये गांठ कैसी बनती है? जब कई ढेर सारी कोशिकाएं एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं तो उसे ग्रंथि कहते हैं, उसे हम नाम देते हैं ग्लैंड्स का। और इससे क्या होता है, इससे, इस ग्रंथि से या इस गांठ से क्या होता है, इसकी एक विशेषता होती है कि इससे कुछ न कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ न कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते रहते हैं, सिक्रेट होते रहते हैं। रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ ये सिक्रेट होते रहते हैं, जस्ट लाइक एंजाइम एंड हार्मोन। तो रासायनिक पदार्थों को सिक्रेट करने वाले या एंजाइम या हार्मोन को सिक्रेट करने वाले, स्रावित करने वाले जो संरचना होती है, उसी संरचना को नाम क्या दिया जाता है विज्ञान में? ग्रंथि नाम दिया जाता है। तो ऐसी ग्रंथि जो पाचन की क्रिया में सहायता करे, ऐसी ग्रंथि को हम पाचक ग्रंथि कहेंगे। पाचन की क्रिया में सहयोग करने वाली ग्रंथि को हम नाम देंगे क्या? पाचक ग्रंथि। अब कौन कौन सी ऐसी ग्रंथि है? तीन ग्रंथियां याद रखना है आपको, तीन ग्रंथियां ऐसी जिनको आपको पढ़ना है सबसे प्रमुख तौर पर। पहला क्या है? एक लार ग्रंथि, लार ग्रंथि यानी कि जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये कैसे सहायता करती है अभी मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन ग्रंथि शब्द जुड़ा है तो ये दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ग्रंथि का मतलब ही होता है कि इससे कुछ न कुछ सीक्रेट होता होगा, इससे कुछ न कुछ क्या होता होगा? स्रावित होता होगा। दूसरी जो बात है वो कौन है? यकृत है, लीवर है। यकृत है यानी कि लीवर है। ये यकृत या लीवर के विषय में याद रख लेना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, जिगर, कलेजा, कलेजी, कलेजा, जो भी आप नाम देते हैं सारी बातें एक ही है, वो है यकृत, वो है लीवर। और एक और तीसरी संरचना आपको पढ़नी है और इसी में पढ़नी है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नाशय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय को हम पैंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। तो ये तीन ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथ, यकृत, अग्नाशय। लार ग्रंथ, यकृत और क्या? अग्नाशय। ये तीन ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि पाचन की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगी। तो ये चार्ट बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, किसी भी चैप्टर पे मैं डिस्कस करूंगा, याद रख लीजिएगा, किसी भी चैप्टर पे मैं डिस्कस करूंगा, उस चैप्टर की शुरुआत में मैं एक चार्ट बनाऊंगा और उसी चार्ट को एलोबरेट करने में मैं सारी की सारी जो है ऊर्जा को, सारी की सारी एनर्जी को उसी चार्ट को डिफाइन करने में लगा दूंगा। और चार्ट अंत मतलब चैप्टर अंत, यानी कि कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम, मैं जैसे पाचन तंत्र की बात करूं तो पाचन तंत्र क्या है ये आपने सीख लिया, अब हम भोजन को प्रवेश कराएंगे कहां पे? आहार नाल में। और आहार नाल में भी बेसिकली कहां पे? प्रोक्टल कैविटी में, मुख गुहा में। और वो भोजन के साथ में मुख गुहा में क्या हुआ, फिर जब भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में प्रवेश किया तो क्या हुआ, फिर ग्रास नली में, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंट हम देखने के पश्चात ये तय कर लेंगे कि इस चैप्टर में क्या खास बात है। सच में आपको पढ़कर बहुत आनंद आएगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप डेली भोजन करते हैं और डेली आप भोजन को पचाने का प्रयास करते हैं, डेली हमेशा और हमेशा आप भोजन को ग्रहण करेंगे
और डेली जो है आप हमेशा भोजन को पचाते हैं, तो आपके अंदर भी ये जिज्ञासा बनी रहती होगी कि आखिरकार इसका डाइजेशन कैसे होता है, इसका पाचन कैसे होता है। तो आशा करूंगा कि इन सारी चीजों को समझ में आया होगा। अभी तक की बातों में मैंने क्या क्या आपको बताया? मैंने आपको बताया जटिल भोज पदार्थों को सरल भोज पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन है, और उसमें बहुत ढेर सारे अंग भाग लेते हैं, इस वजह से पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र के कितने हिस्से? दो हिस्से, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल कितने हिस्सों में बटा हुआ है? ये बकल कैविटी, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बटा हुआ है। और पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के कितने हिस्से? तीन हिस्से, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं मुख गुहा से पाचन। ठीक है, मुख गुहा से पाचन। ठीक है, एक सवाल पहले जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या आहार नाल, आहार आहार नाल, आहार नाल का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा, आहार नाल का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा कौन सा है? कौन सा है आहार नाल का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शंस आपके हैं ए, ऑप्शंस आपके हैं ए मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी, मुख गुहा बक्कल कैविटी, बी बड़ी यात लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी यात लार्ज इंटेस्टाइन, सी छोटी यात स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी यात स्मॉल इंटेस्टाइन, और तीसरा तीसरा डी ग्रास नली, ग्रास नली। ठीक है, ऑप्शंस आपके ये हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि इनमें से सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा कमेंट्स करके आप बताएंगे। चलते हैं अब आगे, अब हम स्टार्ट करते हैं भोजन जब मुख गुहा में प्रवेश किया, यानी कि जब आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और तोड़ के आ करके आपने मुख में रखा, तो ये मुंह खुलने के पश्चात, ये आ करने के पश्चात जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब का सब बक्कल कैविटी के अंतर्गत आता है, ये सब का सब मुख गुहा के अंतर्गत आता है। तो मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी की हम बात करने चल रहे हैं, यानी कि मुख गुहा में कैसे और किस तरीके से पाचन होगा अब उसकी बात करने चल रहे हैं। तो मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी की हम बात करने चल रहे हैं। तो याद रख लीजिएगा, मुख गुहा में दो तरीके से पाचन होता है। ठीक है, मुख गुहा में दो तरीके से पाचन होता है। इन दोनों पाचन को हम समझते हैं। एक पाचन होता है जिसको हम बोलते हैं रासायनिक पाचन, मुख गुहा में रासायनिक पाचन भी होता है, मुख गुहा में रासायनिक पाचन भी होता है, और मुख गुहा में यांत्रिक पाचन भी होता है, मुख गुहा में यांत्रिक पाचन भी होता है। यांत्रिक पाचन मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, दो डाइजेशन होता है, दो पाचन होता है, दो प्रकार का पाचन होता है, एक रासायनिक पाचन होता है और एक यांत्रिक पाचन होता है। रासायनिक पाचन को रासायनिक नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें जल और एंजाइम भाग लेते हैं, जल और एंजाइम भाग लेते हैं। और यांत्रिक पाचन को यांत्रिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंजाइम और रस नहीं भाग लेता है, जल नहीं भाग लेता है, H2O भाग नहीं लेता है। इसमें भोजन को तोड़ा फोड़ा जाता है, और इसमें बेसिकली दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक टीथ यानी कि दांत, और दूसरा जिह्वा यानी कि टंग। तो दांत और जिह्वा जो होता है ये भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं। दांत भोजन को कट 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 करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, एंजाइम और जल की सहायता नहीं लेता है। और जिह्वा क्या करती है? भोजन को पूरे मुख गुहा में घुमाने का काम, नचाने का काम जो है ये कौन करता है? ये जिह्वा करती है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये दांत और जिह्वा ये यांत्रिक पाचन में सहायता करती हैं, और रासायनिक पाचन में लार ग्रंथियां, लार और जल सहायता करते हैं। तो
तो एक एक करके पहले हम देखेंगे, पहले हम रासायनिक पाचन पे बात करेंगे, पहले हम मैकेनिकल डाइजेशन पर, पहले हम केमिकल डाइजेशन पे बात करेंगे, उसके बाद हम यांत्रिक पाचन पे बात करेंगे। ध्यान से समझते चलना, रासायनिक पाचन की मैं शुरुआत करने चल रहा हूं। यांत्रिक रासायनिक पाचन में याद रख लीजिएगा, रासायनिक पाचन में याद रख लीजिएगा, हमारी मुख गुहा में क्या होता है, हमारी मुख गुहा में पाई जाती है लार ग्रंथि। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को बोलते हैं क्या? सेलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। लार ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? सेलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। सेलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि नाम से ही स्पष्ट है, मैंने कहा था कि कोई ग्रंथि होगा। कॉन्सेप्ट को अब यहां से धीरे धीरे क्लियर करते चलना, समझते चलना। कोई भी ग्रंथि है, उस ग्रंथि से कुछ न कुछ स्रावित होगा। तो लार ग्रंथि से क्या स्रावित होगा? लार स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? लार। लार यानी कि क्या है? सलाइवा। ठीक है, सलाइवा। बिल्कुल घबराइएगा मत, अभी आगे चलकर मैं समझाऊंगा कि मनुष्य के मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, सबलिंगुअल, सबमिक्सिलरी और सबसे बड़ी पैरोटिड। वो अभी आगे चलकर मैं फिगर के साथ में मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, फिगर में दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बताऊंगा। तो लार ग्रंथियों से, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? लार निकलता है, सलाइवा निकलता है। और सलाइवा याद रख लीजिएगा, सलाइवा याद रख लीजिएगा, सलाइवा में दो चीजें होती हैं, सलाइवा में दो चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? पहला चीज जो होती है सबसे महत्वपूर्ण, वो है क्या? एंजाइम। और दूसरा क्या होता है? वाटर। दूसरा क्या होता है? वाटर, जल। एंजाइम और जल इस लार में पाए जाते हैं, एंजाइम और जल इस लार में पाए जाते हैं, सलाइवा में पाए जाते हैं। सलाइवा में एंजाइम भी है, सलाइवा में जल भी है। एंजाइम के रूप में याद रख लीजिएगा, लगभग 1% या 1% से कुछ अधिक, और लगभग 99% या 99% से कुछ कम क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और हमारा काम तो हो गया यहीं पे। क्यों काम हो गया? क्योंकि मैंने कहा था कि पाचन के लिए क्या आवश्यक है, मैंने आपको क्या बताया था, पाचन के लिए क्या आवश्यक होता है। पाचन के लिए दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक जल और दूसरा क्या? एंजाइम। एंजाइम और जल, ये दो फैक्टर बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये दो फैक्टर, एक एंजाइम और दूसरा क्या? जल। एंजाइम और जल रहेगा तो भोजन का पाचन होगा, एंजाइम और जल नहीं रहेगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। चूंकि एंजाइम और जल हमारे इस मुख गुहा में है, हमारे इस मुख गुहा में है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहां पे पाचन होगा। सवाल नंबर एक पूछा गया यहां पे, पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? उत्तर हमारा रहेगा मुख गुहा। उत्तर हमारा क्या रहेगा? बक्कल कैविटी, मुख गुहा। सवाल नंबर दो, किसका पाचन भाई? मुख गुहा से आपने ये डिसाइड कर दिया कि मुख गुहा से पाचन होगा, पाचन की शुरुआत हो गई, लेकिन किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का कि वसा का कि प्रोटीन का, किसका? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो इस पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा यहां पे कि एंजाइम के रूप में, एंजाइम के रूप में यहां पर दो एंजाइम भाग लेते हैं। एक पहले एंजाइम का नाम क्या है? पहले एंजाइम का नाम होता है टाइलीन, टाइलीन, या इसी को एमाइलेज भी कहा जाता है, एमाइलेज भी कहा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति में बताइएगा, एमाइलेज। और दूसरा एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। टाइलीन या एमाइलेज या लाइसोजाइम, ये दो एंजाइम मुख गुहा में पाए जाते हैं। पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर भोज पदार्थों का पाचन करता है, यानी टाइलीन या एमाइलेज केवल किसी खास प्रकार के भोज पदार्थ को ही पचाएगा। याद रख लीजिएगा, ये एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कौन से कार्बोहाइड्रेट को? याद रख लीजिएगा, स्टार्च नामक।
स्टार्च जिसको मंड कहा जाता है, ये स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है किसमें, माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। याद रख लीजिएगा ये जटिल है, अब पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, याद रख लेना चीनी हथौड़ी से तोड़ा जाना प्रारंभ हो चुका है, यह जटिल है। इस जटिल को किसमें बदल दिया गया, सरल में। इस जटिल को बदल दिया गया है किसमें, सरल में बदल दिया गया है। स्टार्च को किसमें बदल दिया गया है, माल्टोज में। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीख कर जाओ तुरंत। लास्ट में अगर एज लगा तो एज का मतलब क्या होता है, एंजाइम। और लास्ट में अगर ओज लगा तो ओज का मतलब क्या होता है, शर्करा। और शर्करा हमेशा स्वाद में कैसी होती है, मीठी होती है। शर्कराएं स्वाद में हमेशा कैसी होती हैं, मीठी होती हैं। ये लास्ट में लगा एज, ये क्या है, एंजाइम। और जब भी एंजाइम रहेगा, एंजाइम किसी न किसी का क्या करेगा, पाचन करेगा। तो ये एक टाइलिन या एमाइलेज ने क्या किया, इसने स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट में। माल्टोज ओज लगा है लास्ट में, तो ओज का मतलब शर्करा, और शर्करा कैसी होती है, स्वाद में मीठी। इसी वजह से जब भोजन को आप देर तक कूचते हैं, चबाते हैं, रोटी का टुकड़ा गरम गरम खाते हैं, तो आपको वो मीठा लगता है। वो आपको कैसा लगता है, मीठा लगता है। वो आपको कैसा लगता है, मीठा लगता है। क्यों मीठा लगता है, क्योंकि भैया स्टार्च किसमें बदल गया है, स्टार्च बदल गया है माल्टोज में। स्टार्च किसमें बदल गया है, स्टार्च बदल गया है माल्टोज में। याद रख लीजिएगा इस बात को। अब यहां पे एक बात और समझना, लाइसोजाइम क्या करता है। लाइसोजाइम भोजन के साथ में आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। अगर भोजन के साथ में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई सूक्ष्म जीव आ गया है, ईश्वर ये जानता है कि जब मनुष्य को भूख लगेगी तो वो देखेगा नहीं कि भोजन दूषित है कि नहीं दूषित है, तो वो क्या करेगा, वो बिना हाथ को धुले हुए वो तुरंत झपट्टा मारेगा भोजन पे और भोजन को खाने का प्रयास करेगा। तो याद रखिएगा सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य कौन करता है, ये लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम वह एंजाइम है जो भोजन के साथ में सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। तो सवाल नंबर एक, मुख गुहा से पाचन की जो शुरुआत होती है, किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा और प्रोटीन का नहीं होता है, क्योंकि वसा और प्रोटीन को पचाने वाले यहां पे कोई एंजाइम्स नहीं है। याद रख लीजिएगा, यहीं पर दो बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं। नोट में करके आप इस बात को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि याद रख लीजिएगा यहां पे दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है, मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी, मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है, मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है। एकदम क्लियर जानकारी रहे, शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर टू याद रख लेना, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन नहीं होता, वसा का पाचन नहीं होता। ये दोनों बातें याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो आज की क्लास में मैंने क्या क्या चर्चा किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये पाचन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम तथा जल की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जटिल हैं, कोशिकाओं के संदर्भ में बात कही जा रही है, और ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड ये सरल है। तो जटिल को हमने बदल दिया किसमें, सरल में बदल दिया। एक बात और याद रख लीजिएगा यहां पे कि पूरे पाचन तंत्र को कितने हिस्सों में बांटा गया, दो हिस्सों में, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल में मुख गुहा आता है, ग्रसनी आता है, ग्रास नली आता है, अमाशय आता है, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है, और पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि और यकृत और अग्नाशय। हमने स्टार्ट कहां से किया था, मुख गुहा के पाचन से।
मैंने बताया कि मुख गुहा में दो तरीके से पाचन होता है, रासायनिक पाचन और यांत्रिक पाचन। रासायनिक पाचन में लार ग्रंथियां भाग लेती हैं, तीन जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियों से लार निकलता है, लार में एंजाइम है 1% और 99% वाटर है। कौन कौन से एंजाइम? दो एंजाइम, टाइलिन या एमाइलेज और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन या एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलता है? माल्टोज में। और लाइसोजाइम नामक एंजाइम क्या करता है? ये भोजन के साथ में आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। तो यहां तक की कहानी जो है समाप्त हो गई थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में, अगले वीडियो में, मुख गुहा में कैसे यांत्रिक पाचन होता है उस पर मैं चर्चा करूंगा। और जब मैं यांत्रिक पाचन पर बात करूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, आपने दांत के विषय में ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ दिया था जो आपको जानना चाहिए था, समझना चाहिए था। तो दांत और जिह्वा के क्या कार्य हैं, इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। इजाजत दीजिए, थैंक यू, नमस्कार। और कमेंट्स में जरूर बताने का प्रयास करिए कि कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।